और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लखनऊ के अवैध शिल्पग्राम में आम महोत्सव की शुरुआत हुई है। 14 से 16 जुलाई तक चलने वाले आम महोत्सव में हजारों किस्म की प्रजाति के आम स्टॉल पर नजर आ रहे हैं। पहले दिन महोत्सव की शुरुआत सीएम योगी के हाथों हुई है और इस मौके पर सीएम योगी ने आम महोत्सव 2023 स्मारक का विमोचन भी किया है। आम महोत्सव से आम उत्पादक को कितना लाभ मिलेगा, इस मुद्दे पर नादी टीवी संवाददाता अनूप चौधरी ने उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की। आज आम महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, 14 से 16 तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। सर, आज आम महोत्सव का उद्घाटन 3 दिन तक चलेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस आम महोत्सव का शुभारंभ किया और 3 देशों में हमारे राज्य के आम को भेजने के लिए फ्लैग ऑफ किया। मैं समझता हूं हमारा मास्को, बहरीन और दुबई आज आम मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। धीरे धीरे और देशों में, वैश्विक मार्केट में हमारा आम पहुंचेगा, हमारे आम का किसान खुशहाल होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। सर, आम देश दुनिया में जा रहा है, इससे किसानों की आय भी दुगना होगी, क्या कहेंगे? बस यही तो राज्य सरकार की खुशहाली है, हमको असली आम की मिठास यही है कि हमारे राज्य के किसानों का आम वैश्विक मार्केट में पहुंच रहा है, यही राज्य सरकार के लिए संतोष का विषय है। देखिए, आप दिनेश प्रताप सिंह जी थे जिनका साफ कहना है कि ये अच्छी बात है कि आम आज देश दुनिया तक पहुंच रहा है। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादी टीवी, लखनऊ। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन हुआ। इसके जरिए सरकार आम उत्पादकों को बढ़ावा दे रही है, जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है, उत्पादकों को आम की पैदावार और आमदनी में इजाफा करने के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। मंत्री दयाशंकर सिंह ने महोत्सव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आम महोत्सव का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। अवध शिल्प ग्राम में 14 से 16 जुलाई तक आम महोत्सव लगाया जाएगा। तमाम आज आम उत्पादक थे, उनको उत्कर्ष से जो काम किया उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, लखनऊ में आज आम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया। मास्को, बहरीन और दुबई तक के यहाँ से जो है एक्सपोर्ट हो रहा है आम। और सबसे बड़ी बात जो आज पता चला, हमारे उद्यान मंत्री जी मास्को गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि मास्को और दुबई हम लोग 1 केजी आम भेजते हैं तो 600 रुपया की बचत जो है किसानों की होगी। और 12 टन तक आम जो है अभी हमारे किसान वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसे और प्रोत्साहन लेकर के जो किसानों को आए कई गुना हो सकती है यदि आम के इसमें आया। और हजारों वेराइटीज का आम आज यहाँ प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा है कि लखनऊ के उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे आम हो रहे हैं जो 2-2 केजी के आम यहाँ पर हैं। और हम लोग भी अल्फांसो और हम लोग लंगड़ा और इस सब के नाम सुना करते थे, अब तो हमने देखा आज हजारों वेराइटीज के आम हैं और अच्छी क्वालिटी का है। तो इसको किसानों को इसको प्रदर्शनी को देखना चाहिए और उसके अनुसार अपने यहाँ इसका कार्य करें, उनको बहुत लाभदायक ये खेती हो। सर, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है, आप कह सकते हैं कि आम उत्पादक जो आम उत्पादक है अब देश दुनिया में भी जा रहा है, इससे जाहिर सी बात है किसानों की आय भी दोगुना होगी, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे दुनिया में जितना आम होता है उसका जो है 50% जो है केवल भारत में उसका उत्पादन होता है। पूरे दुनिया में जितने आम का उत्पादन होता है उसका 50% भारत में होता है और भारत में जितना आम उत्पादन होता है उसका 40% केवल उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं यहाँ के किसानों के लिए कि वो आम के बाग लगाएं और लाभ कमाएं। और अब तो पैकेज हाउस के माध्यम से, जहाज के माध्यम से विदेशों में जा रहा है और उससे बहुत आय हमारे किसानों को हो रहा है। देखिए, आप दयाशंकर सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि आम के क्या फायदे हो सकते हैं, आम जो किसान आम उगा रहे हैं उनको कितना फायदा हो सकता है। अनुज सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादी टीवी, लखनऊ।